हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन दिस क्लास इंसान इज प्रो बायोलॉजी। वेलकम बैक टू माय सीरीज विच इज डील विद द PYQ DBT PYQ 2022। आज हम 12 के आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने आए हैं और अभी तक मैंने 1 to 12 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हो, या आप डिस्क्रिप्शन में जाके आपको लिंक मिल जाएगी, चैनल पर जाके आपको लिंक मिल जाएगी, या आप सीधे DBT 2022 अगर यूट्यूब पर सर्च करोगे तो उस पर भी आपको मेरा वीडियो मिल जाएगा। तो जाइए देखिए, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मैंने एक्स्ट्रा दिया है। तो आज हम इस वीडियो में 5 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और वो 5 क्वेश्चंस जो है देखिए क्या क्या है। आप याद रखिएगा, मैं सिर्फ आपसे 5 क्वेश्चन नॉर्मली डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, उससे रिलेटेड बहुत चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। कॉपी और पेन लेके बैठिएगा जिससे कि आप नोट्स बनाते रहें, बिकॉज कंसेप्ट और क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस डील करोगे उतना ही ज़्यादा आपका सक्सेस होने का चांसेस इंक्रीज हो जाएगा। जस्ट मेक अ ट्रस्ट ऑन मी एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन विच इज़ गिवन बाय मी टू क्वालिफाई अ DBT। तो आइए हम बात करते हैं यूकैरियोटिक की। यूकैरियोटिक न्यूक्लियोसोम कंप्राइजेस। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोसोम्स में जो होती है आपका, न्यूक्लियोसोम्स जो है वो मेड अप ऑफ द हिस्ट मेक अप ऑफ हिस्टोन्स। अब याद रखिए, हिस्टोन्स जो है कितने तरीके की होती है, H1 H2A, H2B, H3 एंड H4। इतने तरीके की होती है। जो आपका पहला है H1, दैट इज कॉल्ड लिंकर हिस्टोन, क्योंकि यह लिंक करने का काम करता है एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से। अगर आपको डायग्राम याद होगा तो कुछ इस तरह का डायग्राम होता है, और इस तरह के डायग्राम में इस तरह से ये जो होता है आपका लिंकर हिस्टोन होता है, और ये जो लिंकर हिस्टोन है ये इनको इनको बाइंड करने का काम कर रहा है, और ये जो बनाते हैं ये आपका कहलाता है कोर न्यूक्लियोसोम। जो आपका H2A, H2B, H3 और H4 जो है ये पूरा का पूरा मिला के कोर न्यूक्लियोसोम कहलाते हैं। और हम आपको बताएं, कोर न्यूक्लियोसोम में 2 जो होती है, 2H2A का 2 मॉलिक्यूल, 2 जो है वो H2B का, 2 जो है वो H3 का, और 2 जो है वो H4 का होता है। टोटल देखिए कितना, 2 2 4 2 6 2 8, 8 जो है मॉलिक्यूल होती है, मॉलिक्यूल्स 8 नंबर होती है। मींस ये जो आपका कोर हिस्टोन है वो ऑक्टामर होता है। ऑक्टामर मतलब यूनिट, ऑक्टा मतलब 8, 8 यूनिट का बना हुआ क्या होता है आपका कोर हिस्टोन। कोर न्यूक्लियोसोम को हम कोर हिस्टोन्स भी कहते हैं, कोर हिस्टोन्स। न्यूक्लियोसोम जो है यह हिस्टोन प्लस DNA दो चीज से मिलकर बना होता है। DNA में आपके पास फॉस्फेट बैकबोन होता है। फॉस्फेट बैकबोन, फॉस्फेट के ऊपर निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए इसे हम, ये आपका निगेटिवली चार्ज होता है।
वहीं पे अगर आप हिस्टोन की बात करोगे तो यह एक प्रोटीन होती है और यह पॉजिटिव अमाइनो एसिड्स इसके पास पाई जाती है, पॉजिटिवली चार्ज होगी क्योंकि इसके पास पॉजिटिव अमाइनो एसिड होती है और पॉजिटिव अमाइनो एसिड में भी लाइसिन और आर्जिनिन होती है। ठीक है, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज है। निगेटिव चार्ज क्यों है? फॉस्फेट के कारण है। क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होती है तो इनके बीच में एक इंटरेक्शन होता है, इस इंटरेक्शन को हम इलेक्ट्रो स्टैटिक इंटरेक्शन कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिया, जैसे एक तो कोर हिस्टोन कितने मॉलिक्यूल का बना होता है, तो 8 मॉलिक्यूल का। 8 मॉलिक्यूल में कौन कौन से होते हैं? हर एक हिस्टोन का 2 कॉपी होता है। कौन कौन से हिस्टोन? H2A, H2B, H3 और H4। H1 लिंकर हिस्टोन है। हिस्टोन जो होती है पॉजिटिवली चार्ज होती है। पॉजिटिवली चार्ज क्यों होती है? बिकॉज यह इनरिच्ड होती है लाइसिन और आर्जिनिन की। वहीं पे डीएनए क्या होता है? फॉस्फेट बैकबोन का होता है। फॉस्फेट के पास निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए डीएनए निगेटिवली चार्ज होती है। पॉजिटिव और निगेटिव आयन के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। हिस्टोन प्रोटीन के साथ कौन सा इंटरेक्शन कराता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। इन द यूकैरियोटिक न्यूक्लियोसोम कंप्राइजेज विच ऑफ द फॉलोइंग हिस्टोन्स? तो H2A, H2B, H3 और H4, क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियोसोम की बात हुई है। न्यूक्लियोसोम में आपका ये होता है लिंकर डीएनए, आपका एक न्यूक्लियोसोम को दूसरे न्यूक्लियोसोम से जोड़ने का काम करता है। ओके, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये आप जैसे हल करना चाहो वैसे हल करो, लेकिन हम आपको इसको हम यहाँ पे हम आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि यह मैजिक बॉक्स है। मैजिक बॉक्स में चाहे आप ऐसे डोरो, ऐसे या ऐसे या ऐसे, कैसे भी करके आपका इक्वल आना चाहिए। तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, आप यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, हम मान लीजिए आपका हो जाएगा ए प्लस 11 प्लस 16, मीन्स ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ए से ये आपका डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आया बी प्लस सी इक्वल टू, बी प्लस सी इक्वल टू 7 to 27, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो अगला आप करोगे ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, आप इसको कंसीडर कर लो 10 प्लस बी प्लस 14, 10 प्लस बी प्लस 14। यहाँ से आपका बी चला जाएगा, आपका आएगा ए प्लस सी इक्वल टू 10 प्लस 14, ए प्लस सी इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर टू। तो आप यहाँ पे इक्वेशन नंबर, अच्छा एक और आप बना लो इक्वेशन 3, जिसमें आपके पास सी नहीं होना चाहिए, ए प्लस बी प्लस सी, आपके पास सी नहीं होना चाहिए था। आप क्या करोगे? 11 प्लस 10 प्लस सी, सी से सी डिवाइड हो गया, तो ए प्लस बी इक्वल टू 1 और 2, 21। आप अब यहाँ से चाहो तो आप इस इक्वेशन को डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करना है करके आप सॉल्व कर सकते हो, बट आई सजेस्ट यू डोंट गो विद दैट, उसमें आपका कैलकुलेशन बढ़ जाएगा। इससे अच्छा आप क्या करो, इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को आप ऐड कर दो, मतलब बी प्लस सी प्लस ए प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तो 27 प्लस 24 प्लस 21। अब यहाँ पे देखोगे बी आपका 2 है, ए भी आपका 2 है, आप यहाँ पे लिखो 2A+2B+2C इक्वल टू 7 और 1 8, और 8 4 12, 8 4 12, उसका 2 2 4 2 6 8, 2 2 4 2 6 1 7 72। अब यहाँ से आप 2 कॉमन ले लो, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 72,
तो अब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 72/2, 36। तो करेक्ट आंसर इज 36। आई प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू ट्राई टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस, क्योंकि ये क्वेश्चंस डिफिकल्ट नहीं होते हैं और आप इसे बहुत ही इजीली छोड़ देते हो। आई डोंट नो व्हाई, बट यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चंस लाइक दैट। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, क्यों आप नहीं कर रहे हो? तो आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो। चलिए, विच विल बी द लेंथ ऑफ अ 10 मॉलिक्यूल कंटेनिंग 10 मिलियन बेस पेयर। तो लेंथ ऑफ अ डीएनए, आपको यहाँ पे डीएनए की लेंथ बतानी है। डीएनए की लेंथ बताने के लिए हम पहले आपके साथ एक डीएनए का स्ट्रक्चर बताते हैं। ये आपका 20 एंगस्ट्रॉम होगा और ये आपका 34 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 34 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, एक हेलिक्स होता है और एक हेलिक्स बी में हमारा 10 बेस पेयर का बना होता है। तो 10 बेस पेयर पे आपका कितना है, 34 एंगस्ट्रॉम होता है। चलिए यहीं से हम आपका क्वेश्चन को आगे हम ले चलते हैं। तो अगर हम बात करेंगे 10 बेस पेयर, तो 10 बेस पेयर इज अ 34 एंगस्ट्रॉम। तो एक बेस पेयर की बात करोगे तो 3.4 एंगस्ट्रॉम। तो 10 मिलियन की बात करेंगे हम, 10 मिलियन बेस पेयर मीन्स 10 मिलियन बेस पेयर इंटू 3.4 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 10 मिलियन का मीन्स हो गया 10^6 इंटू 3.4 इंटू 10^-10। ओके, इतना आपका मीटर देख लो, 3.4 इंटू 10^7 इंटू 10^-3 मीटर। तो 3.4 इंटू 10^-3 मीटर, 3.4 इंटू 10^-3 है तो मिली मीटर, मीन्स 10 मिलियन में कितना होगा आपका 3.4 मिलीमीटर, 3.4 मिलीमीटर। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए हम अब इसकी बात करते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ की। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल बॉन्ड्स या इंटरेक्शन इन ऑर्डर टू देयर स्ट्रेंथ ऑफ वैक्यूम। ध्यान रखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, वैक्यूम। हाइड्रोजन बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, वंडरवॉल इंटरेक्शन एंड आयनिक बॉन्ड। ध्यान दीजिए, आयनिक बॉन्ड। सबसे पहले हम आयनिक बॉन्ड को थोड़ा डिस्कस करते हैं। आयनिक बॉन्ड आर द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन द पॉजिटिव एंड निगेटिव एंड दैट इज डिपेंड ऑन द डिस्टेंस एंड आल्सो द के डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट। डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, के इज ऑल्सो नोन एज अनदर टर्म द सेपरेटिंग। के को हम और क्या बोलते हैं, चार्ज सेपरेशन। के अगर हम के वाटर की बात करें H2O की, तो के की वैल्यू आपकी 80 होती है, बट यहीं पे अगर हम वैक्यूम की बात करें तो के की वैल्यू 1 होती है। और अगर के की वैल्यू 1 है तो वो बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मीन्स आयनिक बॉन्ड जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है बिटवीन पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज। तो ये वाला है और ये वाला तो होगा नहीं। सेकेंड और सबसे कम जो है वो आपका वंडरवॉल इंटरेक्शन होगा। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड लास्ट में दिया, इसलिए यह भी नहीं होगा ऑप्शन। तो करेक्ट आंसर तो सेकेंड है, बी आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के बाद
अगर हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, कोवेलेंट बॉन्ड की बात करें, तो याद रखिए कोवेलेंट बॉन्ड जो होती है ये तब फॉर्म होती है, और इसका बनने में क्या होता है, ओवर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम्स। तो ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ टू एटम के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ये पार्शियल आयनिक बॉन्ड होता है, 50% आयनिक बॉन्ड है और पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड होता है, पार्शियल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, मतलब 50% क्या आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। तो डेफिनेटली हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड दोनों से कम होगा, इसलिए पहले आपका आएगा आयनिक बॉन्ड, उसके बाद आएगा कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद आएगा हाइड्रोजन बॉन्ड, तीसरा वांडर वॉल बॉन्ड। ये तो आपको पता चल गया कि वांडर वॉल बॉल वांडर वांडर एलेस वेल्स अट्रैक्शन सबसे कम होता है। पर ये बनता कैसे, ये होता क्यों है, तो इसको समझिए। तो ये जो होता है आपका, इसका रीजन है, इसके बनने के पीछे रीजन है वर्च्यू ऑफ ऑर्बिटल्स, वर्च्यू ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ टू, ऑफ टू, सॉरी वर्च्यू ऑफ ऑर्बिटल्स नहीं, वर्च्यू ऑफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम्स एंड इट्स साइज। दूसरी चीज ये जो होता है, अगर वर्च्यू ऑफ मतलब क्या हो गया आपका, कि कन्फ्यूग्रेशन पे है, किसके, इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन के कन्फ्यूग्रेशन से ये डिसाइड होता है कि रिपल्सिव अट्रैक्शन है, मतलब रिपल्सिव इलेक्ट्रिकल फोर्स है या अट्रैक्टिव। तो जो आपका वॉन्डर वॉल है ये होता है सम ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव इलेक्ट्रिकल फोर्सेस। तो मे भी हो सकता है कि 50% पॉजिटिव हो, 50% निगेटिव हो, तो कोई भी फोर्स नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन के वर्चू के हिसाब से वांडर वॉल फोर्स के स्ट्रेंथ डिसाइड होती है। तो याद रखिएगा कि वैक्यूम के केस में सबसे स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड, उसके बाद कोवेलेंट बॉन्ड, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड, उसके बाद वांडर वॉल बॉन्ड्स। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अकेले अकेले ना देखो, दूसरों के साथ शेयर करोगे, अपने जूनियर के साथ शेयर करोगे, तभी तो चैनल चलेगा, चैनल जितना चलेगा उतना ही ज़्यादा हम आपके कंसेप्ट क्लियर करेंगे। डेफिनेटली इस तरह से आपको कोई भी अभी तक नहीं बता रहा होगा जैसे हम बता रहे हैं, या मैं तुमको थोड़ा डीप में दे रहा हूँ, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, तो आपको लग रहा हो कि टाइम किल हो रहा, बट अगर तुम इस चैनल पे बने रहते हो ना, तो कोई भी इंटरव्यू कुछ भी आपका क्रैक होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसलिए ना हम यही कहेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लो, और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा शेयर करके जल्दी से 1,000 सब्सक्राइबर पूरा करो, फिर वी विल सेलिब्रेट द 1,000 सब्सक्राइब। देखो ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, और इसका अगर यहाँ पे हम H2O लिख देते हैं ना, H2O, तो डेफिनेटली एक ही आंसर था, वो था 55.56 मोल, पर यहाँ पे D2O दे रखा है। तो अब ध्यान दो D2O क्या होता है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड। D2O का मॉलिक्यूलर मास जो है H2O से थोड़ा ज़्यादा होता है, कितना ज़्यादा होता है, तो दो ज़्यादा होता है। तो D2O का मॉलिक्यूलर मास 2 × हाइड्रोजन का, यहाँ पे
D2O का कितना होगा? हाइड्रोजन का 2, मतलब क्योंकि यहाँ पे D है, प्लस 16, मीन्स 4 प्लस 16 इक्वल टू 20। यहीं पे अगर H2O होता तो 2 × 1 + 16 = 18 होता। अगर H2O होता तो 18 होता, बट यहाँ पे क्या आपका 20 है। यहाँ पे डेंसिटी देख लो, दे रखा है रो, दे रखा 1.11 ग्राम पर ml। और डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है? डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वैल्यूम। ओके, मास अपॉन वैल्यूम मतलब क्या है कि 1 ml में 1.11 ग्राम मॉलिक्यूल्स हैं। तो अगर हम 1 लीटर की बात करें, मीन्स 1 लीटर में कितना होगा, तो 1 लीटर में 1.11 × 10³ होगा। ml से हमने यहाँ पे ml से लीटर में बदला, इसलिए इधर 10⁻³, 10⁻³ से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1110 ग्राम आएगा जब इसको सॉल्व करेंगे। अब एक देखो, अगर हम 1 मोल यूज करते हैं तो 1 मोल में 20 ग्राम अगर मॉलिक्यूलर मास के बराबर 1 लीटर में, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1 लीटर इसलिए कर दिया, अगर 1 लीटर है तो मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है, तो यहाँ पे होगा x और यहाँ पे आएगा आपका कितना ग्राम है, 1110 ग्राम। अब इसको सॉल्व करो तो x इक्वल टू आएगा 1110 / 20, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा आपका 55.5 मोल। तो द डी इज अ करेक्ट आंसर, 55.5। अगर यहीं पे वाटर होता तो 55.56 होता। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन थोड़ा जो है आपका, ये आप चेक कर लीजिएगा, अगर अदर जगह आपको समझ में आ जाए तो, क्योंकि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इसका आंसर आपका ये आना चाहिए। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। सुक्रोज जो है वो हाइड्रोलाइज होगा ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है, और ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में सुक्रोज जो है आपका यह डाइसेकेराइड है, और 1 मोल अगर हम सुक्रोज यूज करते हैं तो 1 मोल ग्लूकोज और 1 मोल ही आपका फ्रक्टोज आएगा। यहाँ पे इसने 5 मिलीमोल यूज किया है, तो मेरे हिसाब से 5 मिलीमोल ग्लूकोज और 5 मिलीमोल आपका फ्रक्टोज आना चाहिए। बट आंसर जो है पेपर में, मतलब जो आपका आंसर था वो ये दे रखा था, अब देख लीजिएगा। लेकिन हम अपने आपको यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है मेरे हिसाब से वो मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि आपके अदर क्वेश्चंस जो है इस साल अगर बना हो। सबसे पहले सुक्रोज एक डायसेकेराइड है, क्या है आपका, डायसेकेराइड, सुक्रोज डायसेकेराइड है। क्यों, डाई का मतलब होता है 2, सेकेराइड का मतलब होता है सुगर मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे 2 ग्लूकोज, मतलब 2 मोनोसेकेराइड यूज हुआ है। मोनोसेकेराइड कौन कौन से, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो 2 मोनोसेकेराइड यूज होके डाइसेकेराइड बनाता है, ठीक है। दूसरा, सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग सुगर है, क्या है आपका, नॉन रिड्यूसिंग सुगर है। ये पॉइंट्स मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि अभी आपके पास एक और एग्जाम होने वाला है जिसे हम ICMR कहते हैं, वहाँ भी डायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, तो सुक्रोज एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। दूसरा, सुक्रोज मॉलिक्यूल जो है यह ना ही लिवो रोटेटरी है ना ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। क्या हमने बोला कि सुक्रोज मॉलिक्यूल ना ही लिवो रोटेटरी है ना ही डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, सॉरी चलिए इसको बाद में डिस्कस करेंगे, लास्ट पॉइंट आई विल कंफ्यूज। तो ये आप इतना याद रखिए कि सुक्रोज डाइसेकेराइड है और यह नॉन रिड्यूसिंग सुगर होता है। इसको आप चेक कर लीजिएगा अपने, अगर आपका बायोकेमिस्ट्री बहुत मजबूत है तो आप वहां से चेक कर लीजिए, नहीं तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो एग्जाम में, क्योंकि 150 में से 50 करने होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो कल मिल जाएगा इसी चैनल पे इसी समय। अगर आपने बायोइनफॉर्मेटिक्स वाला बुलेट पॉइंट नहीं देखा है तो अभी जाइए आप उस वीडियो को भी देखिए, वीडियो के लास्ट में आपको मिल गया होगा उसका लिंक। थैंक यू।